आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हाँ, आज हम मौत का तमाशा देखेंगे, लेकिन अपनी नहीं, दूसरों की, क्योंकि इस गेम में हम दूसरों को बहुत बेदर्दी से मारने वाले हैं। जैसे कि इस बंदे को हमने सबसे पहले करंट से मार दिया। पहली मौत के साथ ही आपका गेम में स्वागत है। वेलकम टू द डेथ इनकमिंग गेम गाइस। तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, इंट्रो की ज़रूरत है नहीं। तो हमारा आ चुका है सेकंड लेवल, और इसमें हमें इसको मारना है हैंगिंग टू डेथ। हमें जैसे कि पता है इस बंदे की मौत होगी फांसी लगा के, बट फांसी का तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। ना चले बेटे, ना चले, तेरी ज़िंदगी के दो पल रह रहे हैं। अब हमने टावल उठा के वहाँ रख दिया, बस अब क्या है, टावल लेने गया और इसकी ज़िंदगी ने बढ़िया वाली ले ली। वैसे बहुत से बंदे सोच रहे होंगे हम इस गेम में क्रिमिनल हैं, तो भाई हम इस गेम में क्रिमिनल नहीं हैं। हम लोग इस गेम में यमराज, यमदूत का रोल प्ले कर रहे हैं। इस बंदे की भी मौत होगी हुक से लटकने से मौत, और ये बंदा जंपिंग जपाक जंपक जंपक कर रहा है। इसको जंपिंग जपाक ही करेंगे। पहले हमने डॉग फूड का सिस्टम लगाया, उससे हमें पता चल गया कि ये बंदा ऑब्वियस सी बात है कुछ चीज़ इसके नीचे आएगी जो उछल के जाएगी। तो हमने पहले वो रखा, उससे कुछ नहीं हुआ। तो हमने क्या करा, इसके पीछे ना फावड़ा रखा हुआ है। फावड़ा बोलते हैं, आई डोंट थिंक सो, क्या बोलते हैं मेरे को तो पता नहीं, बट मैं वही सोच रहा था। वो रखा, वो नीचे और ये ऊपर। यस, इसी के साथ ही हमने हमारी तीसरी मौत सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, और ये बेचारा झूल गया। बढ़ते हैं चौथे लेवल की तरफ, और इस बंदे की मौत होगी चोक टू डेथ, मतलब इसके गले में कुछ फंसेगा। और ये अभी मस्त चिल कर रहा है। हमने इसके हाथ में रिमोट दिया, इसने टीवी ऑन करी, वहाँ भूत और रिमोट इसके गले में, और इसको लगा गले का झटका या फिर कुछ भी बोलो, और ये बंदा हमारे जाल में अटका। यस, सक्सेसफुली चौथी मौत हमने कंप्लीट कर ली है। ऑलराइट गाइस, हमारे पास लेवल पाँचवा आ गया है, और पीछे हमें ज़ॉम्बी दिख रहा है, और इससे ही इसकी मौत होनी है। तो हमें पता है हमारे पास फावड़ा है, सॉरी हैमर है, हैमर से तो वो नहीं टूटा, तो ऑब्वियस ही बात है आग ले जाएंगे, उससे बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघली और ज़िंदगी ख़त्म। बहुत आसान है भाई, अगर ऐसे ज़िंदगी लेना होता ना, तो भाई मैं तो पता नहीं कितनी पॉपुलेशन कम कर देता, बट के मैं ठीक है, वरना पुलिस वाले पेल देते। ऑलराइट गाइस, हमारा अगला लेवल आ चुका है। अब हमारी ये हमें छोटा सा पता चलता है कि बस सांड खड़ा है, और पेंट था और पिलवाना था, और ऑब्वियसली बात है हमने लाल को पीला करवा के ख़त्म करवा दिया सीधा। इसी के साथ हमारा अगला लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, किल्ड बाय इनर्शिया। लेवल सात में हमें मारना है इसको किल्ड बाय इनर्शिया, मतलब अचानक से ब्रेक लगनी चाहिए। तो ऊपर एक बॉक्स रखा है, हमने आगे रखा, उससे कुछ नहीं हुआ, गाड़ी रुक रही है बट क्लियरली नहीं। तो पीछे भी एक बॉक्स रखा है, तो उसको कर लाते हैं आगे, अगला बॉक्स पीछे, पीछे की सरिया गर्दन के बाहर, और यस, सक्सेसफुली एक और मौत हमारे नाम। किस किस को याद है कि सेम ऐसे ही मौत फाइनल डेस्टिनेशन में भी होती है? जिसको ये चीज़ पता है वो नीचे कमेंट में जाके बताएं मुझे। तो अगला लेवल आ चुका है, और हमें इसमें ऑब्वियस ही बात है सार्क से मरवाना, तो पिराना हमने उसके ऊपर छोड़ दी, और पिराना की माँ आ गई और अपना डिनर बना गई। यस, इसी के साथ हमारा अगला लेवल कंप्लीट हो चुका है, और हमारे शैतान के बाबा जी साथ में घूम रहे हैं। यस, अगली मौत है स्टंग टू डेथ। ऑब्वियस ही बात है सामने हमें मधुमक्खी का छत्ता दिख रहा है, और उसी के स्टंग से इसकी मौत होनी है। तो हमने ईंट रखी पेड़ के ऊपर, मधुमक्खी उसके मुंह के ऊपर, सारा खून चूस गई, और वो उसने इसका सारा खून चूसा, और हमें हमारा एक और विक्टिम मिल चुका है। यस, तो हमारा आधा लेवल और कंप्लीट हो चुका है। ऑब्वियस सी बात है इसमें तो हमें दिख ही रहा है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऊपर से बर्फ़ गिरेगी इसके सिर में, और सिर में इसके तरबूज का जूस बन जाएगा, वही हुआ। और हमने इसको तो बहुत इजीली मार दिया यार, ऐसे तो हम भाई मौत के सौदागर ही हैं। अगला लेवल आ चुका है, इसमें भी हमें सेम वही करना है, चोक टू डेथ। ये बंदा ट्रेन चला रहा है, और ट्रेन में चलाने के लिए कोयले फिलअप कर रहा है। मैंने भाई बहुत मार था मारा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, तो फाइनली वो चीज़ मैंने काट दी, और यहाँ उसका जो धुआं निकल रहा था वो निकलना बंद हो गया, और अंदर जो बंदा पड़ा हुआ था उसका दम घुटा, वो अंदर ही उसकी समाधि बन गई। भाई ऐसे ही थोड़ी है, पर वो बात अलग है कि आगे उस ट्रेन ने और बंदों को पेला होगा। मैस मेक्स मैस, मतलब मास मेक्स मास यार, ऑब्वियस बात है ताकत से ताकत आएगी। हमने इसको बॉक्स ग्लव्स बनाए, ये पंचिंग कर रहा था, हमने इसके पिछवाड़े में इंजेक्शन ठोका, और ये बन गया बाहुबली।
इसने मारा घूसा और इसमें भर गया भूसा। ये भी हमारा गेम कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारे लेवल 12 क्लियर हो चुके हैं। और अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक का बटन दबा दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में यार। इसकी भाई मौत हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी से हाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उससे पहले ही इसकी मौत भी हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने अगले विक्टिम की तरफ। और इसी के साथ ही एक मौत और हमारे नाम, किल्ड बाय बारबेक्यू स्टोर्स। ये जो दो बंदे हैं ना, इन दोनों बंदों की मौत तो भाई ज़रूरी है। ये खुले में चुम्मा चाटी कर रहे हैं भाई, यहाँ सेटिंग नहीं है, बंदे लगे पड़े, तो इसकी तो भाई बहुत गंदी वाली मौत होगी। तो हमने क्या करा, यहाँ से चिकन निकाल के डॉग की प्लेट में रखा और डॉग ने चैन तोड़ी और उन दोनों में जो ही कील घुसी है भाई, एक के साथ दो मौत, जो ही दिल को तसल्ली पड़ी है। सिंगल लौंडे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भाई कपल्स हैं तो तुम देख लेना अपने आप, हम डेथ इनकमिंग खेल रहे हैं, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। तो इस गेम में हमें ऑब्वियस सी बात है इसकी मौत बम से होगी। तो ये क्या करता है, ये बम फेंकता है और भाई डॉगी तो बेचारे होते ही हैं, एक की मौत डॉगी की वजह से हुई थी, इसकी मौत भी डॉगी की वजह से ही हुई। और भाई बन गई समाधि इसकी, इसकी तो राख भी नहीं मिली भाई सही से, इसको बढ़िया वाला ही पेला गया। यस, हमारा ये लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। तो लेवल 16, तो हमें ये भाई बिल्कुल राजा बना बैठा है और हमारे पास यहाँ वेटर खड़ी है। तो हमें यहाँ पे एक पानी की बोतल दिख रही है, एक वो दिख रही है क्या बोलते हैं कैचअप की बोतल। तो हमने पानी चेंज करा तो पानी से कुछ हुआ नहीं, पानी फेंक दिया इस बंदे ने। तो हमें और क्या था भाई, कैचअप की बोतल उठाई हमने, कैचअप दारू की जगह उसकी ग्लास में डाल दी और ये पीते ही बंदा फुल पिनक में आया, उसने गोली मारी उसकी उसकी बोतल से गोली लग के डाइवर्ट हुई, पहले उसमें लगी फिर वेटर में लगी और एक साथ दो दो मौत। भाई बहुत मौतें हो गई, सारा पाप हमारे ऊपर ही चढ़ेगा। और अब हम आ चुके हैं स्पेस के अंदर और ये भाई बहुत उछल रहा है और हमारे यहाँ पे एक वो फावड़ा टाइप का पड़ा है। तो हम ये कुछ गड्ढा खोद रहा है, हम थोड़ा और गहरा कर देते हैं। हमने गड्ढा खोदा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो ऊपर मेरे को फ्लैग दिखा ब्लिंक करता हुआ, मैंने मेरे को बाद में समझ आया यहाँ झंडा लगाना है। और किसी दूसरे की धरती पर जाकर झंडा लगा दोगे एलियन बुरा मान जाएंगे भाई। वही हुआ, उन्होंने बॉल फेंक के मारी, इसके मुँह का पलस्तर हो गया इसकी। तो भाई यहाँ पर डेड बॉडी भी नहीं आएगी, वहीं पर खा जाएंगे, चील का हुए तो नहीं, कोई तो खा ही जाएगा। यस, हमारा अगला लेवल आ चुका है स्मैश टू डेथ। ये बंदा किसी ना किसी चीज़ से इसके ऊपर स्मैश होना और ये पिलेगा। और यहाँ पे ट्रेन घूम रही है, ट्रेन को मैं मूव कर सकता हूँ बट कहाँ पर, पहले मैंने उठा के मेज पे रख दी। भाई मेरे को समझ में आ गया इसकी मौत कैसे होनी है, मैंने वहाँ से उठा के सीधी अलमारी पर रखी, मुझे पता है इसमें चुल होगी, ये ऊपर चढ़ेगा और अलमारी इसके ऊपर और ये 3 फुट कवर के नीचे। इसी के साथ हमारा 18वां लेवल भी ईजीली क्लियर हो चुका है। हम बढ़ते हैं अपने 19 लेवल 19 की तरफ और ये बंदा चुलबाजी कर रहा है, वो भी ड्रैगन के साथ। तो भाई ऑब्वियस ही बात है ड्रैगन खड़ा होगा और इसको हमेशा के लिए सुला देगा। और यहाँ पे जूते पड़े और मैंने जूते बहुत आवाज़ वाले थे और भाई क्या ही मौत हुई है इसकी, तो इसको तो पता भी नहीं चला होगा, एक सेकेंड में इसकी मौत ख़त्म। इसी के साथ हमारा लेवल 19 क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं हम लेवल 20 की तरफ। इसकी मौत तो देख नहीं थी, पता चल रहा है ये गिरेगा और ये मरेगा। यहाँ बटन दबाया, वहाँ बैल बजी, उसने गेट खोला और ये नीचे, और वो भाई चुपचाप सरक गई। आई होप गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।